करता हूँ, आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अलहमदिल्ला खैरियत से हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि मैं कल लाहौर गया हुआ था, कल जो मैंने शूटिंग की थी वो लाहौर में की थी और आज कल रात में ही मैं वापस सरगोधा आ गया। तो मैंने सोचा कि चलें सरगोधा आने के बाद जो है यहाँ पर हम जो है आपको होम टूर कराएँ, और उसके साथ साथ जो है ना मैं आज ऊपर आया हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें ऊपर, हम जिस घर पर स्टे कर रहे हैं वो बेसिकली आंटी का घर है, तो यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा शहर है सरगोधा भी। तो ये है कि सरगोधा भी काफ़ी अच्छा शहर है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि सरगोधा जो है ना वो बिल्कुल हर शहरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि सेंटर में हम सरगोधा में इस वक्त हम ज़्यादा स्टे कर रहे हैं क्योंकि सेंटर में है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे कहीं पे भी जाना हो दूसरे शहर में, दूसरी सिटी में, तो मैं घंटों में या दो घंटे, बहुत ज़्यादा 2 से 3 घंटे में ईज़ी होकर मैं पहुँच जाता हूँ, और फिर वहाँ पर अपने सारे काम करके वीडियो शीडियो बना के मैं वापस सरगोधा मूव हो जाता हूँ। तो ये सीन है, इस वजह से मैं सरगोधा में ज़्यादा स्टे कर रहा हूँ। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि सरगोधा की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे विलेज बहुत हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ज़्यादातर गांव में टाइम स्पेंड करना है। तो आज मेरा प्लान है कि आज जो है हम वो गांव की तरफ जाएंगे, आज फ्राइडे भी है। तो अभी ये कि मैं थोड़ा खाना वगैरह खा लूँ, उसके बाद फिर हम जो है गाँव की तरफ चलेंगे। तो वो व्लॉग भी आपसे शेयर करते हैं कि हम कौन से गाँव जाने वाले और उसमें आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आप नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब मामू ईसा और मूसा, ये तीनों नाने वाले हैं। डर रहा है मूसा। अरे देखो ईसा वो तो नहीं आ रहा, खड़ा जा नीचे, खड़ा हो ना। यहाँ पे नारे मामू सही मजा ले रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है और मुझे थोड़ा गंदा भी लग रहा है, पानी साफ नहीं है। खैर ये कि मामू को बड़ा मजा आ रहा है देखे। ये मूसा गया हुआ, मूसा मजा आ रहा है। ईसा डर रहा है, कैसी मामू करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ईसा डर रहा है। आओ गोदी में आ जा, नीचे बैठ जा, हट जा। अच्छा बैठ जा, बैठ जा। कौन सी तरह के बैठे जा जी साहब, मूसा से एंजॉय कर रहा मामू के साथ। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के व्लॉग से। मैं भी नहा लिया थोड़ा सा,
तो मैं नहाते वक्त नहीं वीडियो बना सका क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रहा था, तो इस वजह का मैं गया तो फिर मैंने मोबाइल वगैरह साइड पर रख दिया था। मामू नहा रहे थे, सारे गीले हुए थे, इस वजह का उसकी वीडियो नहीं बनी। खैर यह कि हमें बहुत मज़ा आया कि सरगोधा का एक नहर था जो कि गाँव से बड़ा करीब और बहुत अच्छा नहर है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। आज फ्राइडे था, इस वजह का रश ज़्यादा था, तो इस वजह का अच्छी खासी इन्जॉय भी हो गई और बच्चों को भी लेकर आए थे तो बच्चे भी इन्जॉय कर लिए और पानी काफ़ी ठंडा था और बहुत नो डाउट बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो ऐसे और ब्लॉग देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी मिल सके, और लाइक करके अप्रिशिएट भी कर दीजिएगा। चलो इतना मोटा खड़े हैं पंचर बनवाने के लिए, गाड़ी पंचर हो गई, पंचर बनवाते हैं और फिर पंचर। अभी जो है वो मामू की गाड़ी जो है ना वो पंचर हो गई, जिस वजह से हम जा नहीं सके। गांव जाना था हमने, क्योंकि मैं निकला था गांव के लिए कि हम जाते हैं गांव, और फिर मामू ने बताया कि भाई यहां पे जो है वो नहर है और काफ़ी मज़ेदार है और फ्राइडे भी है। मेन चीज़ जो है वो ये कि फ्राइडे है, फ्राइडे में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो बेहतर है कि पहले हम नहर चलते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है हम नहर चलते हैं। इस वजह का मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था, अपने कपड़े वगैरह चेंज करके मैं बोला चले ठीक है नहर चलते हैं। नहर आए यहाँ पर, और नहर आने के बाद यहाँ पर हमें माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया, तो इस वजह से हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं गांव की तरफ जाऊंगा और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो आप लोगों से शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो गांव में स्पेंड करूं ताकि हमें उनकी सही से चीज़ें समझ आएँ कि वो किस तरह लाइफ स्टाइल, उनकी क्या लाइफ स्टाइल है और वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्टेंट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।